हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप हॉटस्पॉट में डाटा लिमिट को सेट करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने हॉटस्पॉट में डाटा लिमिट को सेट कर सकते हैं, जिसमें आप 50 MB 100 MB जो भी आप उसमें सेट करेंगे तो उस तरह उतना शेयर होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर यही सीखने को मिलेगा और चैनल पर पापा हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साथ दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर आप रेडमी का मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत आसान तरीके से आप इस जो सेटिंग है डाटा लिमिट का वो आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अलग कोई मोबाइल फ़ोन को अगर यूज करते हैं तो उसमें डाटा लिमिट सेटिंग करना आपको अलग हो सकता है, थर्ड पार्टी का ऐप यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर डाटा लिमिट आपको सेट करना है रेडमी मोबाइल फ़ोन में या फिर कोई भी इस तरह का जो नया नया वर्सन, अभी जो जितने सारे एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास अभी दुकान में जो अगल बगल में जो भी आया है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेटिंग वाला ऐप है, यहाँ पे सेटिंग पर टैप कीजिएगा। यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट में अबाउट फोन, फिर सिस्टम ऐप अपडेटर लिखा हुआ आएगा, उस पर सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लूटूथ है, जो वाईफाई ब्लूटूथ के नीचे लिखा हुआ है पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर आपको टैप करना। जैसे इस पर आपको टैप कीजिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट में पोर्टेबल हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक लिखा गया है, सेकेंड में सेट अप पोर्टेबल हॉटस्पॉट और थर्ड नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम डाटा लिमिट। तो जो वन टाइम डाटा लिमिट जो लिखा गया है इस पे आपको ओके करना है, वन टाइम डाटा लिमिट पे ओके करना है। जैसे इस पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि वन टाइम डाटा लिमिट, वन टाइम फिर से डाटा लिमिट लिखा गया है और साइज, अब यहाँ पर आता है साइज। तो अगर आप हॉटस्पॉट को आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो आपको एक बार में, जैसे आप एक बार टैप करते हैं हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं, तो आप इससे कितना डाटा को शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि हमारी 50 MB, 100 MB, 200 MB, 500, 1 GB जो भी आपको शेयर करना है तो यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 50, 100, 150, 200 इस तरह सब कुछ दिया गया है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे 100 MB मार देता हूँ ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया एक ऑप्शन भी है वैन, यहाँ पर जो तीसरे नंबर जो ऑप्शन वाला है इस पर अगर टैप करते हैं पर देख सकते हैं कि अगर इस पर जो टर्न ऑफ एंड नोटिफाई, मतलब कि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और एक आपको नोटिफिकेशन दे देगा, ठीक है ना। और वही जो दूसरे नंबर में है वो बंद नहीं होगा बल्कि नोटिफिकेशन देगा। तो आपको जो भी इसमें आपको करना है, अगर आपको बंद भी करना है और नोटिफिकेशन भी लेना है तो ऊपर वाला पे ओके करेंगे, और सिर्फ आपको नोटिफिकेशन ही लेना है तो आप सिर्फ सेकेंड वाला पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट का जो लिमिट डाटा सेटिंग होता है वो कर सकते हैं। और अगर इस तरह का अगर आप यहाँ पे अगर इस तरह सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है सेटिंग के अंदर, तो आप थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐप है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जो प्ले स्टोर है उसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है डाटा लिमिट सेटिंग, ठीक है, डाटा लिमिट, बस इतना लिख के सर्च कर देना है। तो हॉटस्पॉट सॉरी मैं बंद था यहाँ पे डाटा, फिर से चालू कर दिया, ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएगा थर्ड पार्टी, तो उसको आप इंस्टॉल करके हल्का सा अंतर, जैसे यहाँ पे जो आपका मोबाइल फ़ोन का जो सेटिंग है उस तरह तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन हल्का सा अंतर होगा। तो उस तरह आप यहाँ पे सेटिंग करके जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे 50 MB 100 MB यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऐप आ गया, क्योंकि नेटवर्क स्पीड स्लो है इस कारण से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ऐप है यहाँ पे, जो इसका रेटिंग अच्छा हो उसी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना है और उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।